सेलिब्रिटी ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया बनाने वाली हांगकांग की हैंसन रोबोटिक्स की टीम अब एक नया प्रोटोटाइप ग्रेस रोबोट लॉन्च कर रही है। खास तौर से हेल्थ केयर मार्केट के लिए ही यह डिजाइन की गई है। तो वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट विस्पर। यह रोबोट महामारी में बुजुर्गों और अलग थलग पड़े लोगों से बातचीत कर उनका अकेलापन दूर करेगी। आसमानी रंग की नर्स की ड्रेस पहन ग्रेस को खासकर एशियाई लोगों की तरह बनाया गया है। इस रोबोट के चेस्ट में लगे थर्मल कैमरा की मदद से यह रोगी का तापमान यानी कि टेम्परेचर लेने और इलाज के प्रति उसकी प्रतिक्रिया दर्ज कर सकती है। इतना ही नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यह कोविड रोगों का इलाज करने में भी सक्षम है। ग्रेस अंग्रेजी, चीनी, मंदारिन और कैंटोनीज भाषा बोल सकती है। ग्रेस 48 प्रकार के इंसानी हाव भाव व्यक्त कर सकती है। हैंसन रोबोटिक्स के संस्थापक डेविड हैंसन का कहना है, ग्रेस एक पेशेवर नर्स की तरह न केवल रोग का ख्याल रख सकती है बल्कि इससे महामारी के दौरान अस्पताल में काम कर रहे फ्रंट लाइन कर्मचारियों के बोझ को भी कम किया जा सकता है। 2022 में हांगकांग, चीन, जापान, कोरिया और सिंगापुर सहित देश जल्द ही इस रोबोट को अपने यहाँ पे अपॉइंट करेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह जानकारी कमेंट द्वारा हमें जरूर बताएं, और ऐसे ही अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए, जिससे हम जब भी कोई अपलोड करेंगे वीडियोस को तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी और आप वहां से जल्दी से उसे देख पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।